ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे आ जाते हैं हम लोग अपने कट ऑफ डिस्कशन के सीरीज पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू के ज्योग्राफी का। ध्यान देना, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन है, एमएससी में भी काउंट होता है और एमए में भी काउंट होता है। तो ऐसे में आपको जरूर जानना है कि आपके एडमिशन की क्या पॉसिबिलिटीज है, वो सबसे लोअर मार्क्स क्या है जिसपे आपको एडमिशन मिल सकता है बीएचयू के डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस होगा ये, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये कैटेगरीज में मैं आपके मार्क्स लेकर आया हुआ हूं। ये आपकी काउंटिंग है कितने में, आउट ऑफ 300 में, यानी 300 में आप अगर 190 पाते हो जनरल कैटेगरी के हो तो आप एडमिशन के चांसेस सोच सकते हो, यानी आपको डीएमसी मिल सकता है। 175 ओबीसी, 180 ईडब्ल्यूएस, एससी 150, एसटी 120, ये मार्क्स एक से ज्यादा है तो आपके एडमिशन के चांसेस बेहद ज्यादा है, 95% से ज्यादा है। इससे 20 नंबर भी माइनस है तो भी आपको बीएचयू मिलने की पॉसिबिलिटीज है। राउंड धीरे धीरे जब घटेगा तब, जब राउंड और आएंगे तब, ये स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड राउंड तक इस तरीके के मार्क्स आने की पॉसिबिलिटीज है। ध्यान देना, ये अनऑफिशियल कट ऑफ है, लेकिन जो इसका रेफरेंस है वो ऑफिशियल कट ऑफ वाला ही है। अब यहां पे मैंने बीएचयू कोटा का जिक्र किया हुआ है, बीएचयू कोटा का, ठीक है। बीएचयू कोटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएचयू से ही बीएससी किए हैं या बीएचयू से ही बीए किए हुए हैं, तो ऐसे में बीएचयू कोटा का जो कट ऑफ है कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर आपका मार्क्स इतना आता है तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है, 5 नंबर और भी घटा लेना राउंड जब कम होगा। तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। मेरे हर वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि काउंसलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुस्कुराते रहे। बहुत सारी शुभकामना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।